blood and saying thousands of like, we would like to thank you all right that we are currently dealing with today. He is Mr. Jahangir Bakshi. Please welcome him with a huge round of applause. He is Rahmat Ajil Alameen Foundation, President Rotary Club. Please welcome them with a huge round of applause. This is the t-shirt of the Red Cross organization. This is a felicitation for the organizers and who have just made a tribute for the society. Currently we are felicitating with the t-shirt and the KR Minister Shabbir Hussain with the Blood Man of Kashmir. ब्लड डोनर्स डे है, नेशनल ब्लड डोनर्स डे है, ये इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स, तो इसका मकसद ये है कि इंसान बचाना सबसे बड़ा चीज़ है कि और इंसान, क्योंकि रोज़ एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा होता है, कैंसर पेशेंट ज़्यादा है, हीमोफीलिया पेशेंट ज़्यादा है, उनके लिए एक ये मोटिवेशन तो कैंप भी था और उनको हौसला अफजाई के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। तकरीबन आज 150 वॉलंटियरों को, जिन्होंने 50 भी दिया है, 150 भी किसी ने दिया, 200 भी किसी ने दिया, तो उनको हौसला अफजाई के लिए आज बुलाया गया था। तो नहायत ही नेक दिल बच्चे थे यहाँ जो इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए, और क्योंकि इनको ब्लड डोनर को हौसला मिलना चाहिए वही सबसे बड़ा चीज़ है, और इस दिन को आगे बढ़ाने में ख़ासकर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया इस कैंप के लिए, और दूरदर्शन केंद्र का भी हम नहायत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस कैंप को कवर किया। हर घर से एक डोनर निकलना चाहिए वही हमारा मैसेज है, और आप देखो कैंसर पेशेंट्स कितने हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ब्लड डोनर फ्रेश रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि खासकर नेगेटिव ओ नेगेटिव बी नेगेटिव जो ग्रुप्स होते हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और रेडियो और टीवी को भी एक प्रोग्राम इनके लिए। जी जी, देखिए आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे हम हर साल मनाते हैं। मनाने का मकसद यही है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, जैसे आपने देखा कि आज हमने ग्रीनलैंड कॉलेज में किया, ताकि आगे जो बच्चे उससे प्रेरणा मिले, वो उससे इंस्पायर हो कि जो हमारा ब्लड मैन ऑफ कश्मीर है शबीर हुसैन, और हमारी जो बिल्कुल सारा ब्लड वुमेन ऑफ कश्मीर है, वो दोनों हमारे रेड रॉक के प्रेजिडेंट्स भी है, मैं उसका चेयरमैन और फाउंडर हूँ। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसे इवेंट्स करने का सबसे मेन रीजन जो ये है कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो इंस्पायर हो जाएं, और जो ये ब्लड डोनेशन का एक सिलसिला शबीर हुसैन खान ने आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया है, उसको हम आगे ले जाएं, और वो एक इंस्पिरेशन इन बच्चों के लिए उनको सामने खड़ा करें, और उनको बताएं कि जब शबीर हुसैन और बिल्किस आरा डेस्पाइट बीइंग द फीमेल, जब वो 39 पिंड्स डोनेट कर सकती है, हम सब लोग कर सकते हैं। मैं एज अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ रेड ड्रॉप, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पिछले 20 साल से जो हम ब्लड पे काम कर रहे हैं, इसको एक शेप देना और इसको हम एक सांचे में लाना, ताकि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शेप में आए। रेड रॉक के साथ काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लड पे काम कर रही है, वो ऑलरेडी अलाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मेरी मैसेज सब यूथ के साथ यही रहेगी कि जो हम अभी मंशियात का जो बहुत बड़ा एक आग की तरह फैल गया है, उन चीजों के बदले अगर हम वॉलंटियर बने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वॉलंटियरिज्म करें और एक दूसरे के काम आए, मुझे लगता है उसी के लिए हम जाने जाते थे एज ए कश्मीरीज, उसी के लिए हमें जानना चाहिए। अगर हमारा ये टैग हमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, या वो हमारा ब्लड डोनेशन हो, जैसे कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आई थिंक एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड सेलिब्रेट इट। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन सारी जगह मनाएं, वी कैन सेलिब्रेट इट ऑन डिफरेंट डेज एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन। सर बात करें आपकी, मैं सबसे पहले आपने यूथ से ये मैसेज, उनको ये देना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आपने यूथ की सबसे अच्छी, मेरे लिए ये मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी, काफी ज्यादा एनजीओज हैं जो जेन्युइन एनजीओज काम कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो आए जुड़े। और आप देखिए जो बाहर का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को एक एनजीओ के साथ 3 से 6 महीने देना जरूरी होता है, जहां पे वो सीखता है कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये हमें स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी एनजीओ के साथ काम करेंगे। हम वेलकम करते हैं जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, मैं एक पिछले 20 साल से मैं एक्टिविज्म में हूँ, वॉलंटियरिज्म में हूँ, मैं उनको वेलकम करता हूँ हमारी यूथ को, अगर वो जुड़ना चाहे हमारी किसी भी एनजीओ के साथ, चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो या एजुकेशन रिलेटेड हो। तो मेरी मैसेज यही रहेगी, प्लीज एंड प्लीज ज्वाइन अस। हमारी रोड सेफ्टी, जो हमारी कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, वो काफी अच्छा काम कर रही है, ट्रैफिक के काफी मसले हैं, लेट अस ज्वाइन। ये जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर एनजीओ को, हाँ जो सही काम कर रही है उसके साथ जुड़ना जरूरी है। और मैं
आप ओसू के साथ कह रहा हूँ आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, ये रियल एजुकेशन यही है कि अगर आप किसी जगह एज अ वॉलंटियर काम करते हैं।